आपको एक जख्मी जानवर मिलता है जिसे फ्रैक्चर है और आप उसे बचाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप उसे वेट के पास ले जाए या अपने पास कुछ दिनों के लिए रखें, आपको एक जरूरी चीज करनी पड़ेगी, वो है फ्रैक्चर को स्प्लिंट करना। स्प्लिंटिंग हड्डी को अपनी सीमित जगह पर रखने में मदद करता है और आगे नुकसान से भी बचाता है। ये जानवर के दर्द को भी बहुत कम कर देता है। ये उपाय दोनों बड़े और छोटे जानवरों के लिए समान है, लेकिन आज हम आपको एक बड़े जानवर को स्प्लिंट करना सिखाएंगे। स्टेप 1, बांस या पतली लकड़ी के दो टुकड़ों को हड्डी की लंबाई तक काट लें। ये लकड़ी फ्रैक्चर के करीबी दो जोड़ों की लंबाई की होनी चाहिए, और अगर फ्रैक्चर जोड़ में है तो उसके करीबी दो जोड़ों जितनी लंबी लकड़ी होनी चाहिए। अगर फ्रैक्चर आखिरी जोड़ के नीचे है, स्प्लिंट को जोड़ के थोड़े ऊपर से जमीन तक होना चाहिए। स्टेप 2, स्प्लिंट को गद्देदार बनाना। गद्देदार बनाने के लिए स्प्लिंट को चारों ओर रुई और मुलायम कपड़े से लपेट लें। बिना रुई लपेटे स्प्लिंट खाल से रगड़कर जख्म को और बिगाड़ सकता है। स्टेप 3, अगर कंपाउंड फ्रैक्चर है, यानी कि खुला घाव है और हड्डी बाहर निकल रही है, तो पहले घाव को अच्छे से NS से साफ करिए। स्टेप 4, दोनों स्प्लिंट के टुकड़ों को पैरों के विपरीत तरफ रखिए ताकि वो बराबर हो। फ्रैक्चर को सीधा करने की कोशिश करें ताकि पैर स्प्लिंट में सीधा रहे। अगर आप स्प्लिंट जानवर को सिर्फ अस्पताल लेके जाने तक लगा रहे हैं, तो उसे और रुई से लपेट लीजिए। स्टेप 5, स्प्लिंट को अपनी जगह टिके रहने के लिए अच्छे से लपेटे और टेप का इस्तेमाल करें। ध्यान रखिए कि टेप को सुविधापूर्वक जगह पर लगाए और ज्यादा कस कर नहीं। स्टेप 6, नीचे से पट्टी को लपेटना शुरू करें और नए पट्टी को पुरानी पट्टी के ऊपर से लगाए। इस बात का ध्यान रखिए कि पट्टी इस तरह बंधी है जिससे स्प्लिंट अपनी जगह पर टिका रहे और रक्त संचार भी न रुके। स्प्लिंट को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह पट्टी से लपेट लीजिए। अब आप घायल पशु को वेट के पास ले जाने के लिए तैयार हैं। अगर आप बिना तैयारी के रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं और आपके पास रुई या पट्टी नहीं है, तो आप टेप की जगह रस्सी और रुई की जगह कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कुछ और नया सीखना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट्स में बताइए।